जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय पंचतत्ता 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 जय पंचतत्ता
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सन्नवादे पश्चात दिशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुती देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 30 श्लोक संख्या 30 के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग श्लोक को पाठ करते हैं। प्राणमोहन प्रभु जी पुस्तक है सामने। मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराना है। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साधु पतिव्रता चानुजगाम साध्वी मालयं नस्तदण्ड प्रहर्षम् मालयं नस्तदण्ड प्रहर्षम् मनस्यामीव सतसमप्रभा सुबलस्य पुत्री प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रतां चानुजगाम साध्वी पतिव्रतानुजगाम साध्वी हिमालयं नस्तदण्ड प्रहर्षम् मनस्वीनामीव प्रहार। हरे कृष्ण। बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमस्कार। पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पति व्रता चानुजगाम साध्वी पति व्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं नस्तदण्ड प्रहर्षम् हिमालयं नस्तदण्ड प्रहर्ष मनस्वीनामीव सत्संप्रहार मनस्वीनामीव सत्यं प्रहार। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्त को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री
पतिं प्रियान्तं शूलस्य पुत्री पतिव भरता चानु जगाम साध्वी पति भरता चानु जगाम साध्वी हिमालयं नयस्ता दंडा प्रहर्ष हिमालयं नयस्ता दंड प्रहर्षं मानस्वी नामीव सत्यं प्रहार मानस्वी नामीव सत्यं प्रहार हरे कृष्णा हरे कृष्णा पढ़े प्रभु जी। गंधार गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है। ऊपर कीजिए पूरी जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पति परायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए ऊपर कीजिए प्रभु विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ के आश्रम के उपदेश दिए थे और गंधारी को अपने पति के साथ साथ रही किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथा कथित पत्नी तथा पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से संन्यासी दो प्रकार के होते हैं जो श्री पाद शंकराचार्य के इधर पढ़ रहे हैं ऊपर का क्यों छोड़ रहे हैं इधर ये कौन पढ़ेंगे ओ सन्यासी हरे कृष्ण सन्यासी मृत समझा जाता है अतएव उसकी स्त्री अपने पति पूर्व पति के पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के लिए विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के
सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी होते हैं। त्रिदंडी स्वामी, या स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी आगे की लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पूरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुमान करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये था आज का हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 13 अध्याय श्लोक संख्या 30। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग दो दो चार मिनट प्राणमोहन प्रभु जी 2 मिनट बोलेंगे, नंद किशोरी माता जी 2 मिनट बोलेंगे। कल जो हमारा क्लास हुआ था, कौन क्या टॉपिक था थोड़ा बताइए। पहले नंद किशोरी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उस दिन तो 29 श्लोक में 13वां अध्याय और 29 श्लोक में आपने बताए थे कि जो शास्त्रों द्वारा निर्देश दिया जाता है वे भक्तों के अपने जीवन में उतारना पड़ता है, और शुद्ध भक्त हमारे लिए कभी जीवन में अकल्याण नहीं सोचते हैं, वे हमेशा मेरे जीवन के लिए कल्याण ही सोचेंगे और परम कल्याण के बारे में ही सोचेंगे। तो इसलिए आचार्यों एवं गुरुओं के बातों का पालन करना है। और भी बताए थे आप कि इस संसार में सबसे जरूरी है कृष्ण भक्तों का संगत करना। सभी प्रभु जी और बताए थे आपकी सभी को सब कुछ मिलता है, लेकिन कृष्ण भक्ति किसी किसी को मिल जाता है जो इस सोच से परे है। और भी आप बताए जिसको जिसको कृष्ण भक्ति मिला है वे बहुत भाग्यशाली है, अपने वे अपने माता पिता से मिले या संगत से मिले या सोच से या वैष्णव के संगति से मिले, ये सब मिले संगति से। विदुर महाराज को के अंदर इतनी शुद्धता और भक्ति थी कि धृतराष्ट्र महाराज को महाराज घर द्वार नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उनको दिमाग में मतलब डालते भक्ति के बात को डालते घर को त्याग करवा ही दिए। और भी बताए थे जैसा आप एक सूखा लकड़ी और गीले लकड़ी के उदाहरण दिए थे कि सूखा लकड़ी में तीर मारा जाए तो फिर वापस आता है, और गीले लकड़ी में तीर मारने से वे अंदर मतलब घुस जाता है। उसी प्रकार वृक्ष में तीर मारेंगे तो वे अंदर घुस जाएगा, और गीले को लक्ष्य मतलब नहीं लक्ष्य के तुलना मतलब गीले को तुलना में वे बताए कि सूखा बताए। इसलिए साधु संत का
भी वाणी है गीले वृक्ष का समान, और जो जो विश्वास जो मतलब एक था कि रुक्मिणी तो भी नहीं कृष्ण भगवान के देखी हुई थी, लेकिन वे कैसे कृष्ण भगवान को कभी भी वे नहीं देखी थी और तभी उसे कितनी प्यार करती थी। और ये दुर्योधन के भी बताए थे, दुर्योधन तो रोज कृष्ण भगवान को देखता था, रोज मतलब मिलता था, तभी तभी वे कृष्ण भगवान को नहीं समझा कि ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और हम मतलब हम उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं। और भी तो और कुछ बताए प्रभु जी, लेकिन 3 दिन होने के कारण उतना अभी याद। ओके, प्राण मोहन प्रभु जी, जो माता जी बोले वो नहीं रिपीट करना, दूसरा बोलना। आप जो बताए थे प्रभु जी धृतराष्ट्र के राज्य के विषय में, वो नाम तो भूल रहे हैं, कौन समीरा करके है, तो वहाँ वो विराजमान थे, तो जो है विदुर महाराज जब अथी से लौट करके तीर्थाटन और मैत्री मुनि के पास से जब लौट करके आए, तो धृतराष्ट्र महाराज को कहे कि आप जो है इस तरह कब तक पड़े रहेंगे यहाँ, और जो है आप कृष्ण भक्ति के लिए आप इस घर को त्याग करें, इस तरह कहते कहते जो है उनको त्याग करना पड़ा और वो घर को त्याग करके वन की ओर चले, उनके साथ उनकी पत्नी भी चली। और माता जी उदाहरण दी थी गीले वृक्ष और सूखे वृक्ष तीर वाला, वो तो बता ही दी। उसके बाद क्या बता। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है। श्लोक किस प्रकार है, आज का श्लोक पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं नस्तदण्ड प्रहर्षं मनश्शिनामी बस समप्रहार। अर्थात आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि कंधार, कंधार को गांधार कहा जाता है और गांधार को अफगानिस्तान कहा जाता है। जो पहले कंधार था वो बाद में बना वो अभी अफगानिस्तान, और जो गांधार था वो बन गया अभी अफगानिस्तान। ठीक है, तो गांधारी जो थे, गांधारी कहाँ के थे, गांधारी थे अफगानिस्तान के। तो धृतराष्ट्र इसे इंटरनेशनल मैरिज किए थे, एनआरआई लड़की से, लक्ष्मी बोल रहे। ठीक है, धृतराष्ट्र पहले के जमाने क्या है, पूरा पृथ्वी एक था, पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है, इसीलिए एनआरआई और अमेरिका अफ्रीका इंडिया ऐसा नहीं था, पहले सब एक था पृथ्वी। आजकल हम लोग एनआरआई ये सब बोलने लगे। ठीक है, तो गंधार अर्थात कंधार अर्थात अफगानिस्तान। तो राजा सुबल की पुत्री, गांधारी कौन थे, सुबल महाराज सुबल की पुत्री, जो परम साध्वी गांधारी ने जब ये देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को ऐसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रु के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़े।
तो देखिए ये जो सेक्रीफाइस हमारे इंडियन भारतीय नारियों के अंदर जो है, सेक्रीफाइस त्याग, पति की इच्छा के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या त्याग नहीं किए हमारे भारतीय नारी। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं तो जैसे हमारी नंद किशोरी माता जी, वो भी गांधारी की तरह, माता जी कितना सुंदर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हमारे जीवन में इस तरह होना चाहिए। एक सेकंड, हमारे प्रभु जी हमको गंधारी के अपेक्षा हमको बना दिए, गंधारी माता के हम क्या है, कुछ नहीं है। जब 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 प्रभु जी जब चले गए इस जगत से, तो हमारे नंद किशोरी माता जी लेकिन नहीं गए। मैं सोच रहा था कि पति देव के पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन नंद किशोरी माता जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि भविष्य में उनको लड्डू गोपाल की सेवा करना है, विभा माता जी मायापुर में उनको लड्डू गोपाल देंगे। तो ये सब पूर्व रूप से प्लान था, मायापुर से लड्डू गोपाल देंगे, कृष्ण की सेवा करते करते माता जी अपना जीवन को सार्थक करेंगे। That's why, जिसके कारण हमारे नंद किशोरी माता जी उस समय गांधारी का नकल नहीं किया। और नकल करना भी नहीं चाहिए, हम लोग को आदर्श पे चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। क्योंकि अनुकरण करेंगे तो सब प्रॉब्लम होगा। जादू, मैजिक दिखाने के लिए लोग आते हैं जादू के, तो जादू वाला क्या तलवार से काट देते हैं बकरी को या कबूतर को, मनुष्य को काट देते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग नकल करने जाए तो प्राणमोहन प्रभु जी क्या करेंगे? पुलिस। हम लोग अगर नकल करने जाए, तलवार लेके किसी को काटने जाए, तो पुलिस बोलेंगे चलो यहाँ से। इसीलिए हम लोग को नकल नहीं करना है। जादू जादू खेल दिखा रहे, ठीक है, मुझे जादू से कोई मतलब नहीं। जादू का जो सिद्धांत, जादू मतलब नकल, डुप्लीसिटी, ओरिजिनली में कुछ होता नहीं, क्योंकि जादूगर भी भिखारी होते हैं। हाँ, पेपर में बहुत सारा पैसा गुड़ी सुड़ी करके फेंक देंगे, बाद में निकलेगा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कितना सारा पैसा उस पेपर के अंदर डाल दिया, लेकिन बाद में दिखाया अरे बाबा कुछ भी नहीं, कहाँ चला गया। तो जादू जादू होता है। जैसे हमारे बंगाली में बोलते चोक भेल की, चोक भेल की आंखों, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंखों का धोखा, एक इसका शब्द है जो भी याद नहीं आया। तो गांधारी ने क्या किया, जब देखा कि पति अभी चले जा रहे हिमालय देवर के साथ, विदुर के साथ, भक्ति करने के लिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो गांधारी ने सोचा कि मैं भी क्या करूं यहाँ पर बैठ बैठ के, रिटायरमेंट तो हो ही गए, अब तो कुछ काम नहीं है, बेटे का गाली तो सुनना नहीं। मैं ये नंद किशोर माता जी को बोल रहा हूँ, बेटे की गाली तो सुनना नहीं, इसीलिए मायापुर धाम में फ्लैट ले लेना और भक्ति चालू कर दी। ठीक। तो जैसे हम लोग परसों को डिस्कस किए थे कि प्राणमोहन प्रभु जी को बताया, प्रभु जी अगर आपको महाप्रभु बुलाए यहाँ पे आके झाड़ू देना है, घर मूछना है, मंदिर मूछना है, तीन वेला खाने को मिलेगा, तो आप क्या आएंगे? तो प्रभु जी बोले जी जरूर आएंगे। तो मैं बोला आपका देवघर का जो उतना बड़ा राजमहल जैसा घर है, बोले कि वो तो प्रभु जी यूं ही रह जाएगा, हम चाह के भी उसको हमेशा नहीं रख सकते, क्योंकि वो आएगा बुलावा एक दिन, जमराज करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए पहले ही साइड काटना। ठीक है, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान हमारे श्रीमद् भागवतम में जितने सारे कैरेक्टर है,
सब एक एक इंटेलिजेंट पर्सन है। ध्रुव महाराज का चरित्र देखेंगे तो वो भी कृष्ण को प्राप्त किया, दुखी थे, सबके जीवन में दुख आ रहा है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि बचपन से उसको एकदम आनंद आनंद आनंद। ध्रुव महाराज को दुख मिला था, 5 साल का बालक को अपमान किया गया, गोद से उतारा गया, ठीक है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके दिखाया। पांचों पांडवों को इतना कष्ट दिया लेकिन वो लोग कष्ट की चिंता न करते हुए सीधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। कुंती महारानी के जीवन में इतना सारा दुख आया, कुंती महारानी फिर भी दुख मांग रहे कि आए बारंबार, ठीक है। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के जीवन में दुख नहीं आया था, आया था, दुर्वासा अभिश्राप दिए थे लेकिन फिर भी टेंशन नहीं, कृष्ण को प्राप्त करना। तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में भी वैसे ही जीवन का सेंटर पॉइंट कृष्ण को लाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा अगर रहेंगे ना तो बाकी सब कुछ मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे कुत्ता को देखकर अगर आप पीछे भागेंगे ना तो कुत्ता आपकी ओर दौड़ेंगे, लेकिन कुत्ता आपकी तरफ आ रहे अगर आप भी बोले आप भी करेंगे ना तो कुत्ता भी डरेंगे, वो भी पीछे जाएगा, ठीक है। तो एक कुत्ता के उदाहरण से हम लोग अगर जितना कुत्ता की तरफ जाएंगे कुत्ता उतना पीछे जाएंगे, और जितना अपनी तरफ पीछे आएंगे तो कुत्ता पीछे पीछे आएंगे। तो कुत्ता का अर्थ होता धन। हम लोग अगर कृष्ण की ओर जाएंगे, पीछे मतलब भगवत धाम की ओर जहां से हम लोग आए हैं, तो ये जब धन रत्न ये मेटेरियल ओपुलेंस जितना कुछ है ये सब आने वाला ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन जितना इनके पीछे दौड़ेंगे वो इतना पीछे भागेगा। जैसे कुत्ता को जब आप डराएंगे तो वो भी पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप अपने साइड में आएंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। ये चीज को समझना। इसीलिए अगर कृष्ण की ओर जाएंगे तो कृष्ण हर तरह से सहायता करेंगे, जो चीज चाहिए जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे, आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा है लेकिन फिर भी कृष्ण देंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण है सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अगर कोई उनकी सेवा में है तो कृष्ण सब कुछ देंगे। साधारणतया हम लोग किसी सरकारी ऑफिसर को देखते हैं, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, कितना फैसिलिटी उनके रहने के लिए, घर, गाड़ी, नौकर चाकर, मेंटेनेंस, वेतन सब कुछ दिया जाता है। जब साधारण एक सरकारी व्यक्ति को दिया जाए तो जो कृष्ण की सेवा में लगे है, जो भगवान की सेवा में लगे है, हरि नाम करते, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा, कृष्ण कथा दूसरों को सुनाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को तो कृष्ण क्यों नहीं फैसिलिटेट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, किरण शनि माता जी, विभा माता जी, ये जो हमारे जूम मीटिंग जो है ना, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग तुरंत ज्वाइन करना है, क्योंकि 40 मिनट का मीटिंग होता है, जैसे ही खत्म होगा तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है प्रभु। हाँ ठीक है, तो थोड़ा पानी पीना चाहिए जीवन जीने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते मैं जल में स्वाद हूं, जल का स्वाद हूं, तो जब हम लोग पानी पीते हैं, ये देखिए प्राण मोहन प्रभु जी भी पानी का बोतल लेके आ गए। पानी जो है ना साक्षात कृष्ण है, पानी का स्वाद जो है, जल का स्वाद वो कृष्ण है। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, कृष्ण चिंता में अपने जीवन को हम लोग डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रसाद पाएंगे तो प्रसाद तो है ही भगवान। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कृपा, ग्रेस। तो प्रसाद का अर्थ ही होता है कृपा। तो जब हम लोग प्रसाद पा रहे मतलब क्या पा रहे? कृष्ण का कृपा पा रहे, ठीक है। इस चीज को समझना है, कृष्ण का कृपा पा रहे, तो प्रसाद पा रहे वो भी कृष्ण है,